फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग। प्रीवियस लेक्चर से हमने एक नया टॉपिक शुरू किया था, मल्टीप्लेक्सर्स। लास्ट लेक्चर में हमने इंट्रोडक्शन टू मल्टीप्लेक्सर्स किया था। इस लेक्चर में हम नेक्स्ट मल्टीप्लेक्सर करेंगे, 4x1 मल्टीप्लेक्सर। एक बार रिकॉल करते हैं मल्टीप्लेक्सर क्या होता है। ये एक कॉम्बिनेशनल सर्किट है जो बाकी कॉम्बिनेशनल सर्किट से डिफरेंट क्यों है, बिकॉज ये आईसी की फॉर्म में अवेलेबल होता है। सो इसकी वजह से जो भी नंबर ऑफ वायर्स है वो कम हो जाते हैं, सर्किट की कॉम्प्लेक्सिटी कम हो जाती है, उसकी कॉस्ट कम हो जाती है। तो ये बहुत सारी एडवांटेजेस हैं मल्टीप्लेक्सर की। मल्टीप्लेक्सर का मतलब कि मैनी इंटू वन, बहुत सारी इनपुट्स होती हैं और सिर्फ एक आउटपुट होती है। वो जो इनपुट कौन सी आउटपुट पे सेलेक्ट होगी वो सेलेक्ट लाइन्स पे डिपेंड करती है, हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था। तो इस लेक्चर में हम 4x1 करेंगे। 4x1 मींस के ये 4x1 मक्स से कोई मल्टीप्लेक्सर को शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं MUX मक्स। इसका मतलब क्या है कि जो नंबर ऑफ इनपुट्स हैं, नंबर ऑफ इनपुट्स कितनी होंगी इसमें, जिसको हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे थे, n से, इज इक्वल टू कितनी है इसमें, 4 है। इट मींस कि 4 इनपुट्स है यहां पर जो i0 से शुरू करके और i3 तक आएंगे। दिस इज i0, i1, i2, i3। अब इनमें से यहां पर एक आउटपुट होगी y। इन इनपुट में से कौन सी इनपुट हमें सेलेक्ट करके आउटपुट में हमें अवेलेबल होगी सेलेक्ट करके, वो हमने किया था कि वो सेलेक्ट लाइंस पे डिपेंड करेगा। सो इस 4x1 के लिए सेलेक्ट लाइंस कितनी होंगी, उसके लिए क्या फॉर्मूला था कि n इज इक्वल टू 2x m। m मींस सेलेक्ट लाइंस, जिसकी वजह से हम सेलेक्ट करेंगे कि कौन सी इनपुट आउटपुट के अंदर डायरेक्ट होनी है। सो इस m को हम क्या लिख सकते हैं, m को हम लिख सकते हैं log 2n। अब इसको यदि n की वैल्यू को हम लिखना चाहें यहां पर log 2, ये क्या है 4, और इस 4 को हम क्या लिख सकते हैं, दिस इज log 2 2x2। तो इसको हम कैसे लिखते हैं, ये 2 कहां पर आ जाएगा, आगे आ जाएगा, तो 2 log base 2। तो ये इसकी वैल्यू किसके बराबर होती है, 1 के बराबर। तो ये m की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी यहां पर। इट मींस कि सेलेक्ट लाइंस 2 होंगी यहां पर। ये प्रोसेस यदि नहीं करना तो आप इसको शॉर्टकट से भी कर सकते हैं। हमें पता है कि जो n है, ये जो फॉर्मूला है आपका, इसका मतलब ये 4 दे रखा है आपको यहां पर। इस 4 का मतलब क्या है कि 2x2 कितना करें कि ये 4 आ जाए, तो 2x2 हमें पता है 2x2 4 होता है। इट मींस कि सेलेक्ट लाइंस कितनी होगी, m की वैल्यू 2। तो इस तरह से शॉर्टकट से भी आप देख सकते हैं कि जो सेलेक्ट लाइंस होंगे वो 2 होंगी इस तरह से। तो यहां पर ये s0 और ये s1, यहां पर इसको हम lsb लेते हैं और इसको क्या लेते हैं, msb। lsb msb मींस लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट और मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। तो अब यहां पर मान लो इनकी वैल्यू यहां पर 0 0 है, तो ये किसको सेलेक्ट करेगा, i0 को। इसका मतलब क्या है कि i0 का मतलब है यहां पर जो i0 है, तो यहां पर इट मींस कि 0 0 है। इस 1 का मतलब 0 1 है, इस 1 0 का मतलब, सॉरी, इस i2 का मतलब 1 0 है और इस i3 का मतलब 1 1 है। तो इसके अकॉर्डिंगली हमें आउटपुट मिलती है। अब इसकी ट्रुथ टेबल बनाते हैं हम। ट्रुथ टेबल कैसे बनाएंगे हम, यहां पर s1 है जो msb है और s0 है, इसके अकॉर्डिंगली हमें क्या लिखना है, यहां पर आउटपुट लिखनी है। तो s0 s1 जब 0 0 है तो ये किसको सेलेक्ट करेगा, i0 को, और 0 1 है तो किसको सेलेक्ट करेगा, i1 को, और 1 0 है तो किसको सेलेक्ट करेगा, i2 को, और 1 1 है तो किसको सेलेक्ट करेगा यहां पर, i3 को, इस तरह से। तो यहां पर अनेबल नहीं लिखा है मैंने। अनेबल जो हम यूज करते हैं, अनेबल जब यूज होगा, मैक्सिमम हम अनेबल को कब यूज करते हैं, जब हम मल्टीप्लेक्सर ट्री बनाते हैं। बेसिकली मल्टीप्लेक्सर ट्री में इसकी यूटिलिटी है, अभी नेक्स्ट लेक्चर्स में हम करेंगे इनको।
जनरली हम सर्किट को सिंपल रखने के लिए यहां पर अनेबल नहीं दिखा रखा. वर्किंग मीन्स के अनेबल की वैल्यू क्या है, हाई है. ई की वैल्यू क्या है, हाई. तो इसके अकॉर्डिंगली अब इक्वेशन हम लिखें तो किस तरह से इक्वेशन आ जाएगी यहां पर, वाई इज इक्वल टू, यहां से क्या लिखेंगे हम, एस वन कॉम्प्लीमेंट एस जीरो कॉम्प्लीमेंट एस वन कॉम्प्लीमेंट एस जीरो कॉम्प्लीमेंट एंड आई वन आई जीरो सॉरी प्लस यहां पर क्या आ जाएगा, एस वन कॉम्प्लीमेंट इसकी जगह पे वन की क्या लिखेंगे, एस जीरो और यहां पर क्या आएगा, आई वन प्लस यहां पर एस वन एस जीरो कॉम्प्लीमेंट बिकॉज इसकी जीरो है वैल्यू और आई टू प्लस यहां पर दोनों वन में है तो क्या आ जाएगा, एस वन एस जीरो एस वन एस जीरो और आई थ्री. ये एसओपी फॉर्म में लिखा हमने, यदि आपने प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे तो आप देख लें. एसओपी फॉर्म होती है सम ऑफ प्रोडक्ट्स, उसमें लिखते हैं, उसमें हम वन को नॉर्मल वेरिएबल से रिप्रेजेंट करते हैं और जीरो को कॉम्प्लीमेंट से. तो यहां पर जीरो था तो हमने एस कॉम्प्लीमेंट लिया, यहां पर वन था तो एस जीरो लिया. इट मीन्स कि एसओपी फॉर्म है ये, उसको हम यूज करके इसको लिखते हैं. अब इसको इंप्लीमेंट करेंगे, जो डायग्राम है इसका वो बनाएंगे हम, लॉजिक डायग्राम क्या रहेगा इसका. तो उसी तरह से आपको यहां पर दो सेलेक्ट लाइन है बेसिकली. तो यहां पर क्या करना है, एक सेलेक्ट लाइन आप क्या बनाएंगे यहां पर, एस वन, और इसके बाद एक नॉट गेट लगाएंगे यहां पर. ये लाइन किसके लिए आएगी बेसिकली, दिस इज फॉर एस वन कॉम्प्लीमेंट. उसी तरह से नेक्स्ट लाइन हम लेंगे किसके लिए, एस जीरो के लिए, और इसको एक नॉट गेट लगा के ये क्या बन जाएगी, एस जीरो कॉम्प्लीमेंट. अब यहां पर वन टू थ्री फोर, चार यहां पर हमें एंड गेट यूज करने हैं. दिस इज वन टू थ्री फोर. इसमें हम क्या लिखेंगे, एस वन कॉम्प्लीमेंट. एस वन कॉम्प्लीमेंट कहां पर है, दिस इज एस वन कॉम्प्लीमेंट, और एस जीरो कॉम्प्लीमेंट, दिस इज एस जीरो कॉम्प्लीमेंट. देन आई जीरो, आई जीरो को हम यहां अलग से लिखेंगे इस तरह से. फिर एस वन कॉम्प्लीमेंट, ये एस वन कॉम्प्लीमेंट है. देन एस जीरो, ये एस जीरो की लाइन है यहां पर. देन आई वन, उसके बाद एस वन, ये एस वन की लाइन है यहां पर. देन एस जीरो कॉम्प्लीमेंट, ये एस जीरो कॉम्प्लीमेंट है. देन आई टू, और यहां पर हम आई टू लगाएंगे. देन एस वन एस जीरो, ये एस वन की लाइन है, ये एस जीरो की लाइन है यहां पर, और यहां पर हम लिख देंगे आई थ्री. अब इन सब की क्या है, ऑरिंग है बेसिकली, ऑर गेट हमें यूज करना है. तो यहां पर एक ऑर गेट में इन सारी आउटपुट्स को हम यहां पर इस तरह से, ये तो यहां पर हमें वाई मिलता है. यदि हमें अनेबल को रिप्रेजेंट करें तो अनेबल क्या था, हमें एंडिंग है बेसिकली. तो यहां पर एक एंड गेट हम लगा सकते हैं इस तरह से, और यहां पर एक इसको अनेबल को हम यहां पर दे सकते हैं. इसका मतलब क्या हुआ, अनेबल की वैल्यू वन है, इसको वाई डैश कहो. अनेबल की वैल्यू वन है तो ही हमें आउटपुट मिलेगी. अनेबल की वैल्यू जीरो है तो सारे के सारे आउटपुट्स क्या होंगी, जीरो होंगी. अनेबल जीरो मीन्स के मल्टीप्लेक्सर इज नॉट वर्किंग. अनेबल वन का मतलब कि मल्टीप्लेक्सर वर्किंग कंडीशन में है. सो ये इस तरह से कोई भी मल्टीप्लेक्सर आपको दे रखा है, 4:1 है जैसे, ये 8:1 है, नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे. तो इस तरह से हम नंबर ऑफ इनपुट लाइंस का हमें पता है, उसके अकॉर्डिंगली हम सेलेक्ट लाइंस को हम निकाल लेंगे. सेलेक्ट लाइंस के बाद हम क्या करेंगे, एक ट्रुथ टेबल बनाएंगे. ट्रुथ टेबल के बाद हमें एसओपी फॉर्म में
इक्वेशन लिखनी है, लॉजिकल एक्सप्रेशन लिखना है और उसके बाद इसका लॉजिक सर्किट डायग्राम बनाना है। इन वीडियोस को आप शुरू से आखिर तक देखें और सीरीज में देखें बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो इस लेक्चर के लिए इतना ही। यदि आपकी कोई भी क्वेरीज है, कोई भी सजेशन है, कोई भी डाउट है तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।